में विश्वास कर रहा हूं। वाक्य को शुद्ध करने के लिए आपको बिलीव में से क्या करेंगे, आईएनजी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, क्योंकि बिलीव के अंत में ई था परंतु आईएनजी जोड़ते समय वो ई आपने हटा दिया था। ओके, यहां पर एम को हटाएंगे आप, अफर्मेटिव सेंटेंस में डूडज नहीं आता। आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास करता हूं, इज द करेक्ट सेंटेंस, और वो बिलिंग वाला गलत था। तो स्वामी जी उन लड़कों को हमेशा भूखा रखते हैं। अब रखते में से आर को बाहर निकालो, आर यानी रिमेंबर, आर का मतलब होता है रिमेंबर। मैंने आपको कहा रिमेंबर, आई एम रिमेंबरिंग यू, सेंटेंस लिखो, आई एम रिमेंबर यू, आई एम रिमेंबरिंग यू मतलब तुम्हारी याद आ रही है। लेकिन रिमेंबर ऐसी क्रिया है जिसमें आईएनजी जोड़ नहीं सकते, इसलिए शुद्ध क्या बनेगा, एम को आपको हटाना चाहिए, आई रिमेंबर यू तुम्हारी याद आ रही है। आई रिमेंबर यू का मतलब तुम्हारी याद आ रही है, हिंदी में बोल सकते हो, पर अंग्रेजी में इसका अनुवाद रिमेंबरिंग नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि स्वामी जी उन लड़कों को हमेशा भूखा रखते हैं। है का मतलब होता है हेज या हेव, बाहर दिखा लो, हेज या हेव। और मैंने आपको सेंटेंस दिया कि शी इज हैविंग ए स्विफ्ट डिजायर, देखो, शी इज हैविंग ए स्विफ्ट डिजायर, ये कार का नाम है। शी इज हैविंग ए स्विफ्ट डिजायर का मतलब हो गया शी इज हैविंग ए स्विफ्ट डिजायर। हैव का मतलब आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता ग्रहण कर रहा हूं। मैं ये समझाना चाहता हूं कि हैव का मतलब अगर खाने के अर्थ में किया जाता है तो आईएनजी जोड़ना बिल्कुल सही है, परंतु हैव का मतलब पजेज, कीप या रखने के अर्थ में किया जाता है। आई हैव ए पेट डॉग, इसका मतलब हो गया आई एम हैविंग ए पेट डॉग।